अभी कांवड़ यात्रा में यूपी में एक बड़ा फैसला लिया गया कि अब कांवड़ यात्रा जहां से निकलेगी दुकानदार उसके बाहर अपना पर्चे लिखेंगे, दुकान का नाम लिखेंगे और उनकी पहचान होनी चाहिए। इस फैसले की क्यों आवश्यकता लगती है आपको, क्या अनपढ़ी और क्या जरूरत थी? जिस तरह से जो पिक्चर सामने आई है, जो चित्र सामने आए हैं कि जिस प्रकार से अपना नाम छुपा कर और गलत काम करते हैं, जो फल फ्रूट है उस पर थूकते हैं और थूक लगाकर जब बेचते हैं, तो हिंदू लोगों के उपवास व्रत होते हैं और जिस प्रकार से ये गंदे तरीके से जो फल फ्रूट बेचते हैं या दुकानों पे अपना नाम छुपाकर अपनी पहचान छुपाकर जो गलत काम करते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्टली इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कई स्थानों पे, उज्जैन में ही आप उदाहरण उज्जैन में ही ले लो, आप मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर इन्होंने अपना नाम छुपाकर जिस प्रकार दुकानें चला रहे हैं, हिंदू दुकानें हिंदुओं के नाम पर दुकानें चला रहे और है खुद मुस्लिम और इसकी आड़ में लव जिहाद भी करते हैं, बच्चियों को बरगलाते भी हैं और ये सब गलत काम करते हैं, तो इन पर स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। यूपी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए आपने? बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्पीकरों पे भी जो सुबह सुबह अजान चलती है उसके स्पीकर को भी बैन करने कहा और जो मांस मटन जो खुले में लटका कर जो दुकानें चलाते हैं उस पर भी एक्शन के लिए उन्होंने निर्देश दिए थे और अभी फिर से एक्शन होना चाहिए, लगातार एक्शन होना चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.